हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं बनाने जा रही बकरे का लॉन्ग्स यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस ट्रिक के साथ आप बनाइएगा तो 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। वैसे तो फेफड़ा बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेरी इस रेसिपी को अगर ऐसे ट्राई करेंगे तो 5 मिनट में बन। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं किचन में। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कुकर। कुकर में ऐड किया है 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें ऐड कर रही मैं 1 तेज़पत्ता और कुछ खड़े साबुत मसाले। इसे अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन। ऑनियन मैंने 5 से 6 पीस लिया है मीडियम साइज में, और ग्रीन चिली 4 से 5 लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से ग्रीन चिली को ले सकते हैं। मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम मीडियम टू हाई पे कुक करेंगे और डीप फ्राई होने तक इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसमें ऐड कर रही मैं कट किया हुआ फेफड़ा। फेफड़े को मैंने पहले से अच्छे से धो के वाश करके रख लिया था। इसमें ऐड कर रही मैं 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे कर रही मैं अच्छे से मिक्स। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल से सूख जाए। इसमें ऐड करी मैं 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं कर रही अच्छे से मिक्स। ऐड कर रही मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को हम नमक के साथ ही ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और बिल्कुल कच्ची ना रहे, मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। हल्दी को ऐड करके हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि हल्दी बिल्कुल कच्ची ना रहे और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। हल्दी ऐड करने के बाद से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करिए। कोई भी सब्जी हो, गोश्त हो या कुछ भी हो। इसमें ऐड कर रही 1 चम्मच रेड चिली। रेड चिली आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो। इसमें ऐड किया मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले की जगह पर आप खड़ा साबुत मसाला भी ले सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप ऐड करेंगे तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें लिया है। मैंने आपने देखा है कि मैंने ग्रीन चिली का यूज़ बहुत कम किया है। फेफड़े को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भुन चुका है। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें हल्की सी ग्रेवी 1 कप पानी डाल के भी आप लगा सकते हैं। इसमें ऐड करी मैं फ्रेश कोरिएंडर जो मैंने पहले से चॉप करके रख लिया था। अब मैं इसे प्लेटिंग करके बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी, कितना टेस्टी बन के ये रेडी हुआ है। बन गया ना झटपट से। तो गाइज, अगर आप ऐसे लॉन्ग्स को बनाएंगे तो ये 5 मिनट में बन के रेडी भी हो जाएगा और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।